हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही पनीर, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है सब्ज़ी, और ये बहुत ही इजी है और आप घर पर ही बहुत ही अच्छी रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने दो टमाटर ले लिए हैं, दो मैंने स्मॉल ऑनियन ले लिए हैं, और एक मैंने ये छोटा सा पीस अदरक का ले लिया, एक मैंने रेड चिल्ली ले लिए और काजू ले लिए थोड़े, और ग्रीन चिल्ली दो ले लिए, और ये मैंने लहसुन ले लिया है थोड़ा सा, 10-15 कलीज जितनी होती है इतनी मैंने लहसुन ले लिया है। तो अब मैं पैन गरम कर देती हूँ एक, और उसके अंदर 2 स्पून जितना घी ऐड कर दिया है। मैं घी ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो आप बटर भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं घी में बनाना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं घी यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने जो ऑनियन थे, टमाटर थे, और अदरक का एक पीस था जो, और जो लाल फ्रेश मिर्च थी, काजू थे और ग्रीन मिर्च थी, ये सब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। लहसुन और ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड करके मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और मैं इसको पका लूँगी। इसको मुझे बहुत ही सॉफ़्ट करना है ताकि ये सारी चीज़ें हैं ये पक के बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। अगर ये पक के बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगे तो इसकी जो ग्रेवी बनेगी बहुत ही रिच और क्रीमी सी बनेगी, इसलिए मैं इसको पूरा अच्छे से पका दूंगी, सबको अच्छे से गला दूंगी। अब इसको अच्छे से गल जाए इसके लिए मैंने इसके अंदर 1/3 स्पून सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट ऐड करने से टमाटर जल्दी से गल जाते हैं और बहुत सॉफ़्ट हो जाते हैं। तो मैं अभी थोड़ा सा नमक अभी ऐड कर देती हूँ और थोड़ा सा मैं बाद में ऐड कर दूँगी। तो देखें, अब मैंने इसके अंदर सब मिक्स करके मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। पानी मैंने 1/2 कप जितना इसमें ऐड किया है, और ताकि ये अच्छे से पूरे सारे ये चीज़ें हैं जो ये अच्छे से गल जाएं और सॉफ़्ट हो जाएं बहुत, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ये पानी ऐड किया है। तो अब मैं इन सबको ढक्कन लगा के पकने के लिए रख दूँगी, और जब तक मैं ये पनीर लेती हूँ, पनीर को मैंने अच्छे से वॉश भी कर लिया। ये 400 ग्राम पनीर है जिसको मैंने इतने छोटे छोटे स्क्वायर शेप में काट लिया है। आप जिस तरीके से भी काटना चाहें ऐसे काट सकते हैं, जो भी शेप रखना चाहें पनीर की। तो देखिए, अब ये मसाला ये भी रेडी हो चुका है, और टमाटर कितने सॉफ्ट हो चुके हैं और काजू भी सॉफ्ट हो चुके हैं, इसमें सारी चीज़ें इसमें बहुत ही सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ठंडा होने के बाद में मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी। तो मैंने अब सब इसको ग्राइंड कर दूँगी मैं इसको सारी चीज़ों को, और बहुत ही अच्छा इसका पेस्ट बना लूँगी। तो देखें कितना अच्छा इसका पेस्ट बन गया है अब, और कितना ब्यूटीफुल इसका कलर आया है। अब मैं एक पैन में 4 टेबल स्पून जितना घी यूज़ कर रही हूँ, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसकी पनीर की ग्रेवी बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें ये घी ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो आप बटर भी ऐड कर दीजिएगा। अब मैंने जो पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ। घी बहुत अच्छा गर्म हो गया है, तो देखें इसका कितना अच्छा पेस्ट का कलर, अभी से कितना सुंदर ब्यूटीफुल सा कलर आ गया है, और ये दिखने में भी कितनी अभी से क्रीमी सी लग रही है। इसका पेस्ट बहुत अच्छा रेडी हुआ है। अब मैं इसको धीरे धीरे से इसके अंदर मिक्स करती जाऊंगी और पकाती जाऊंगी ताकि ये जो ग्रेवी है ये पूरी अच्छे से इसके अंदर पक जाए। तो अब आप देख सकते हैं घी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैंने लाल मिर्च ऐड किए 2 टीस्पून, साल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, धनिया पाउडर मैंने इसमें 2 टीस्पून ऐड किया है, और मैंने हल्दी 1/3 टीस्पून इसमें ऐड की है। और अब मैं इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसमें पका दूंगी ताकि ये पूरे अच्छे से मिक्स होके सारे मसाले अच्छे से इसके अंदर पक जाए। जब मसाले अच्छे से पकते हैं तो उसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है। तो इस तरह से हम सारे मसालों को अच्छे से पकने देते हैं। अब मैं थोड़ा सा हल्का सा मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया था ताकि ये मसाले नीचे लगे नहीं और अच्छे से पक भी जाएं।
तो देखें कितना अच्छे ये सारा पेस्ट बन चुका है, कितना अच्छा ये मसाला पक चुका है। अब पूरा इसका जो घी था वो भी ऊपर से आ चुका है। अब मैं इसके अंदर वन बॉल मैंने इसके अंदर दही लिया था, दही को मैंने हल्का सा मिक्सी में थोड़ा क्रीमी कर दिया था, चला दिया था। अब मैंने इसके अंदर ये दही ऐड कर दिया है और अब मैं अच्छे से इसको फटाफट मिक्स करती जाऊंगी ताकि ये दही इसके अंदर बिल्कुल फटे नहीं। अगर आप इसके अंदर स्पून हिलाएंगे नहीं तो दही फट भी सकता है, इसलिए आप इसके अंदर स्पून हिलाते जाएं। तो देखें जैसे ये थोड़ा पकने लगा है पूरा घी खुद ब खुद ऊपर आने लगा है और ये देखें कितनी ब्यूटीफुल सी इसकी ग्रेवी दिख रही है। इसका जो घी है वो ऊपर आने लगा है, इसका मतलब ग्रेवी रेडी होने वाली है। तो ये हमारी क्रीमी सी शाही पनीर की ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर हम पनीर ऐड कर देते हैं, जो मैंने 400 ग्राम पनीर लिए थे वो मैं पनीर ऐड कर देती हूँ इसके अंदर। तो देखिए दिखने में कितना ब्यूटीफुल सा दिख रहे हैं पनीर और ये ग्रेवी, कितना अच्छा इसका कलर आया है। अब इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी धीरे धीरे से ताकि हमारे ये पनीर के पीसेस बिल्कुल भी टूटे नहीं। हम आराम से इसको धीरे धीरे से स्पून हिलाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे और थोड़ी देर हम इस पनीर को इसके अंदर हल्का सा पकने देंगे ताकि पनीर अच्छे से इस ग्रेवी के अंदर पक जाए। तो अब आप देख सकते हैं, देखें कितनी ब्यूटीफुल सी ग्रेवी बन गई इसकी, कितना शाही पनीर टेस्टी दिख रहा है। ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा है इतने खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनता है। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा वार्म मिल्क ऐड कर दिया, हल्का सा गर्म मिल्क, जो कि मैंने इसके अंदर आधे कप जितना मिल्क ऐड कर दिया है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पर मिल्क ऐड करना ज़्यादा पसंद करती हूँ इसलिए मैंने मिल्क हाफ कप जितना मिल्क ऐड किया है। तो अब देखें ये बहुत ही रिच और क्रीमी सी बन गई है, मिल्क ऐड करते ही इसका और भी ब्यूटीफुल कलर आ गया है। तो ये हमारी शाही पनीर रेडी हो चुके हैं। आई होप मेरी शाही पनीर की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा आप लोग। तो अब हम इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड कर देते हैं, जो कि मैंने 1 टीस्पून जितनी ली है, और मैं ये 1/3 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड कर देती हूँ। मैंने गरम मसाला सारा पीस लिया था, पीसा हुआ मैं गरम मसाला इसमें यूज़ कर रही हूँ। मैंने खड़े गरम मसाले बिल्कुल इसमें नहीं डाले हैं, जो कि मुंह में आते हैं, इसलिए मैंने पीसे हुआ गरम मसाला इसमें डाल दिया। गरम मसाले से इसके अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू सी आएगी, जो कि कसूरी मेथी भी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये शाही पनीर की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरी नेक्स्ट रेसिपी की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।